बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 62वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं, तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंगों को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय प्रसंग चल रहा है पुखराज जी, तो पुखराज जी के प्रसंग में इससे पहले 2 दिन के कक्षा सत्र के द्वारा पुखराज का लोकेशन और पुखराज की चबूतरा और उसकी तरहटी, और साथ में विशेष करके कल हमने बंगला का चबूतरा एवं तरहटी, अदवीज कुंड की चबूतरा एवं तरहटी, ढाबी चबूतरा का चबूतरा एवं तरहटी, मूल कुंड की चबूतरा एवं तरहटी, और साथ में उत्तर पश्चिम के घाटी की चबूतरा एवं तरहटी, ये सब को देखा, और साथ में वृत्ति के शब्द के माध्यम से पुखराज जी बंगला, अदवीज कुंड, ढाबी चबूतरा और मूल कुंड की तरहटी को भी अध्ययन किया। तो जिस तरह से नीचे तरहटी है, सब तरहटी से ऊपर भौंभर ऊंचा चबूतरा, ये भी हमने साथ में वर्णन किया है। तो इस तरह से देखें तो 7 तरहटी और भौंभर ऊंचा 7 ही चबूतरा। 7 क्या क्या है? पुखराज जी, बंगला, अदबीज कुंड, ढबी चबूतरा और मूल कुंड, ये क्रमशः पूर्व की तरफ है, ये 5 हुआ, और पुखराज जी से पश्चिम तरफ पश्चिम का घाटी और उत्तर की तरफ उत्तर का घाटी, ये 2 हुआ, तो 7 हुआ। अब यहीं से हम आज प्रसंगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो तारहट्टी की शोभा को देखा, उसके साथ में भौंबर ऊंचा चबूतरा के विषय में भी वर्णन किया, तो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं ये 1000 हाँस का गोल चबूतरा जो पुखराज जी का चबूतरा है। अब इसके साथ में फिर भी संबंध को जोड़ करके बताऊं तो ये पुखराज जी के पश्चिम दिशा में ये घाटी का चबूतरा है, जिसके लिए 4 लाख कोस का लंबा और 400 कोस का चौड़ा करके कहा, और उत्तर दिशा में उत्तर के घाटी का चबूतरा, ये भी 4 लाख कोस का लंबा और 400 कोस का चौड़ा है, और ये पुखराज का चबूतरा 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा है, और गिरदा में 4 लाख कोस और इसका 1000 पहल है। और इससे भी पूर्व दिशा में देखें तो यहाँ पर मध्य में एक
जल का कुंड अथवा तालाब है, और फिर इसी के साथ में लग करके ये बंगला का चबूतरा है। इस तरह से तो ये बंगला का चबूतरा जमीन से भूमभर ऊंचा 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा, इसका चौगिर्द 4,00,000 कोस है। तो इसमें भी 400-400 कोस के अंतर पर गुर्जा आने से एक दिशा में 250 हांस, चारों दिशा के 1,000 हांस हुए। तो ये घाटी का चबूतरा, पुखराज का गोल चबूतरा, बंगला का चौरस चबूतरा, यहाँ अभी हमने 1, 2, 3, 4 चबूतरा को यहाँ नक्शा में जोड़ करके बताया है। तो इसके साथ साथ में यहाँ अब जगह के हिसाब से आगे नहीं पहुँच रहा है, लेकिन हम जानते हैं जो कल वर्णन किया कि बंगला के चबूतरा के साथ में जोड़ करके अदबीज कुंड का चबूतरा, फिर उससे भी पूर्व में ढपी चबूतरा का चबूतरा, उससे भी पूर्व में मूल कुंड का चबूतरा। तो ये 7 चबूतरा ही जमीन से भोमवर ऊंचा उठा है, दिल दिमाग में इसको बिठाना है। और साथ में ये संपूर्ण चबूतराओं को घेर करके बंदिश का रोष ये पश्चिम के घाटी के पश्चिम से शुरू हुआ, और इसने पुखराज के चबूतरा सहित, इधर से ये उत्तर के घाटी के चबूतरा सहित, इधर से ये पुखराज के चबूतरा, फिर ये बंगला के चबूतरा को इस तरह से घेर करके फिर आगे अदबीज कुंड के चबूतरा को घेरते हुए आगे गया एक तरफ से। दूसरी तरफ से भी ये बंदिश का रोष है, इसी तरह से ये पुखराज के चबूतरा को घेर करके फिर बंगला के चबूतरा को इस तरह से घेर करके फिर ये अदबीज कुंड के तरफ से होते हुए गया है। ठीक है, अब जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ये बंदिश का रोष है, और इसमें गोल गुर्जा ये सारा वर्णन हमने पहले ही किया है, ऐसे गोल गुर्जा है, और प्रत्येक गोल गुर्जा के दोनों तरफ से भोमवर ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। ठीक है, तो मध्य में दरवाजा है, दरवाजा से तरहट्टी में जाने की बात हुई। तो कल वृत्ति से पढ़ते समय एक सेंटेंस बार बार आया था, उसमें अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज जैसा हो तो उसको भी मैं क्लियर कर ही देता हूँ। वैसे तो हमने यहाँ पर लोकेशन के लिए गुर्जे के दाएं बाएं सीढ़ी, गुर्जे के दाएं बाएं सीढ़ी, और हांस के मध्य में दरवाजा, और दरवाजा से भीतर जाने में 3 सीढ़ी नीचे तरहट्टी, इस तरह से कहा। लेकिन वृत्ति में बार बार ये दरवाजा की सीढ़ी के द्वारा 3 सीढ़ी उतरे तो तरहट्टी में पहुंचे, फिर दरवाजा शब्द प्रयोग करते करते सीढ़ी से भोमभर चढ़े तो चबूतरा में पहुंचे, ये भाषा आया। तो इसका अर्थ है गुर्जे के दाएं बाएं सीढ़ी का लोकेशन तो बताया, परंतु ये सीढ़ी इस तरह से लगते समय ये सीढ़ी का एरिया तो दरवाजा के सामने तक ही पहुंचता है ना, और इधर से भी जो ये सीढ़ी ऐसे आया है तो ये दरवाजा के सामने तक ही पहुंचता है ना, और इधर से भी ये सीढ़ी इस तरह से आया तो ये दरवाजे के सामने तक ही पहुंचता है। इसीलिए ये दरवाजा से अंदर 3 सीढ़ी तरहट्टी में, दरवाजा से ही ये दाएं बाएं सीढ़ी के द्वारा बोम्बर ऊपर चढ़े तो चबूतरा में, ये वाली बात है। ठीक है, इस तरह से ये चबूतरा के विषय में बात हुई, और एक में जैसा है सब में वैसा ही है। तो आज हम प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं, अब ये पुखराज के गोल चबूतरा जो 1,000 हांस का है, और जिसके लिए 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा करके कहा, तो इस चबूतरा के ऊपर की शोभा को वर्णन करेंगे शुरू में, फिर जैसे जैसे प्रसंग आएगा ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब आइए 7 चबूतरा को ही जमीन से भोम भर ऊपर एक आपस में जुड़ करके विद्यमान है ऐसा समझते हुए अब हम वर्णन प्रारंभ करते हैं ये गोल चबूतरा के ऊपर की शोभा। अब 1,33,333 कोस लंबा चौड़ा पुखराज के 1,000 हांस युक्त गोल चबूतरा के
ऊपर पहुंचे तो अब इसको भी तीन भाग करना है। तीन भाग करना है मतलब किस तरह से, जैसे तरहटी में हम पहुंचे तो तरहटी को भी पहले तीन भाग किया था, तो तीन भाग करते समय मध्य में खजाने का ताल था 45,200 कोष की जगह में, और बाहर बगीचों के हार और महलों के हार 22,000 कोष में 52 हारे बगीचे और 22,000 कोष में 53 हारे महल था। तो ठीक इसी तरह ऊपर चबूतरा में जाएं तो ऊपर चबूतरा में भी मध्य में एक तिहाई यानी कि तीन हिस्सा में एक हिस्सा ये जगह जो है नीचे तरहटी के हिसाब से कहे तो खजाने के ताल के सीधा ऊपर ये चबूतरा के मध्य भाग में ये गोल चबूतरा से भी एक भोम ऊंचा ये चौरस चबूतरा उठा है। ध्यान से समझ लीजिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये चौरस चबूतरा के ऊपर जाए हम तो ये जमीन से कितने ऊंचाई में पहुंचा, दो भोम ऊंचाई में। क्यों, ये गोल चबूतरा ही जमीन से एक भोम ऊपर है, ये गोल चबूतरा के भी मध्य एक तिहाई जगह में एक भोम ऊंचा ये चौरस चबूतरा उठा है। अब ये चौरस चबूतरा में जाने के लिए चारों दिशा से भोम भर की सीढ़ी यहां है, इधर से भी सीढ़ी, इधर से भी सीढ़ी, इधर से भी सीढ़ी, इस तरह से चारों तरफ से भोम भर ऊंचा सीढ़ी है। अब ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना है, 45,200 कोस का ही लंबाई चौड़ाई है, जो नीचे खजाने का ताल का लंबाई चौड़ाई था उसके सीधा ऊपर ये चबूतरा हुआ। इसका अर्थ ये चबूतरा से बाहर ये गोल चबूतरा की एक तरफ 44,000 कोस का जगह रहता है। अब इसमें कहीं 44,444 लिखा ऐसा भी हो सकता है, इसमें मैंने पहले भी बताया हूँ छोटी सी संख्या ऊपर नीचे होने में ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं रहता है इसमें इतने बड़े बड़े संख्या में, लेकिन मूल रूप में एक आधार पकड़ने के लिए 44,000 इसको पकड़ना होगा और ये 45,200 इस हिसाब से इधर 44,000 ही है, ये चारों तरफ तो एक ही हिसाब रहता है। ठीक है, अब ये चौरस चबूतरा भोम भर ऊपर गए तो ये गोल चबूतरा के चारों तरफ की जगह को अभी ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए, तो हम चलेंगे चारों तरफ के सीढ़ी के माध्यम से गोल चबूतरा से ऊपर चौरस चबूतरा में। तो जैसे हम चौरस चबूतरा में पहुंचे, अब ध्यान दीजिए यहां पर चारों दिशा में चार पेड़ और मध्य में एक पेड़ यहां प्रकट हुआ है। तो ये पेड़ कहां से आया था, नीचे तरहटी से। तरहटी का जब हमने वर्णन किया तो ये 45,200 कोस की लंबा चौड़ा खजाने के ताल में चार दिशा में चार पेड़ और मध्य में एक पेड़ आया था ना, तो वो पेड़ को ऊपर ले गए थे। तब मैंने कहा था कि अभी ऊपर ले जाइए, अब ये अब कहां तक जाएगा वो बाद में प्रसंग आने पर वर्णन करते रहेंगे करके कहा था ना। तो ये पेड़ यहां चौरस चबूतरा के ऊपर प्रकट हुआ, तो यहां चौरस चबूतरा में प्रकट होते समय नीचे कितने भोम होकर के आए, ये दो भोम होकर के आए हैं। तारहट्टी से गोल चबूतरा के बराबर के ऊंचाई में एक भोम और गोल चबूतरा के ऊपर ये चौरस चबूतरा और एक भोम ऊपर आए हैं, तो तारहट्टी से दो भोम ऊपर आकर के चौरस चबूतरा के ऊपर ये पांच पेड़ प्रकट हुए हैं। ये गोल चबूतरा से यहां नहीं दिखाई देता है, चौरस चबूतरा की दीवार ने अंदर ढका है, क्योंकि नीचे खजाने के ताल के अंदर आया था ये, तो खजाने के ताल के ऊपर ही ये तीसरे हिस्सा चबूतरा आया है, इसीलिए महल भीतर से ही होकर के सीधा चौरस चबूतरा के ऊपर यानी कि नीचे तरहटी की जमीन से दो भोम ऊपर आकर के ये पांच पेड़ यहां पर प्रकट हुआ। यहां तक ठीक है, अब यहां तो सीढ़ी है
और यहां ये पेड़ है, सीढ़ी चढ़ करके जैसे ऊपर पहुंचेंगे तो यहां पेड़ के बाहर ये परिक्रमा के लिए जगह है। इसीलिए ऐसा नहीं कि फिर सीढ़ी जैसे ही पहुंचा तो यहां तो सामने में पेड़ है तो फिर जाने का रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहां परिक्रमा की रास्ता है, ये को चारों तरफ से परिक्रमा कर सकते हैं, अंदर और साइड साइड में तो जगह है ही, किनार की तरफ भी जगह है। इसलिए सीढ़ी से जैसे हम भोमवर ऊपर पहुंचे तो ये पांच पेड़ ही प्रकट हुआ। प्रत्येक एक पेड़ का लंबाई चौड़ाई कितना था? 400 कोस का था, पेड़ मतलब महल। अब यहां प्रकट हुआ, अब इसके बाद ये पेड़ भोम भोम पढ़ते पढ़ते ऊपर ऊपर पांच भोम तक सीधा गए हैं। मैं शब्द से बोल रहा हूं, उसके द्वारा दिमाग में एक आकार खड़ा करना होगा। हाँ, अब यहां पर कैसे पांच भोम उठाऊं मैं? तो ये चार पेड़ को यहां पर प्रकट कराया हूं और शब्द से मैं बोल रहा हूं कि ये पांचों पेड़ अपने अपने हिसाब से अलग अलग, एक भोम, दो भोम, तीन भोम, चार भोम, पांच भोम, छठी चांदनी तक ले जाइए। 400 कोस की ही लंबाई चौड़ाई में स्वतंत्र पांचवों पेड़, ठीक है। अब ये पांच पेड़ पांच भोम ऊपर चौरस चबूतरा के ऊपर से गए, लेकिन नीचे तरहटी की जमीन से हिसाब करें तो ये पेड़ का ऊंचाई कितना हुआ अब तक? 7 भोम का हुआ। गोल चबूतरा बराबर का एक भोम, चौरस चबूतरा बराबर का एक भोम, चौरस चबूतरा में प्रकट होने के बाद ऊपर 5 भोम, तो टोटल 7 भोम हुए। तो 7 भोम ऊपर तक तरहटी के हिसाब से, चौरस चबूतरा के हिसाब से देखते समय 5 भोम ऊपर तक ये 5 पेड़ ही सीधा उठाए, इतना दिल दिमाग में बिठाइए, ठीक है। अब वृत्ति के शब्द के हिसाब से सीधा अध्ययन करते समय तो ये हजार हाँस का गोल चबूतरा करके हेडलाइन वर्णन आता है, उसके बाद मध्य चबूतरा, चौरस चबूतरा के ऊपर ये 5 पेड़ को प्रकट करा करके 5 भोम तक सीधा ऊपर ले गए हैं, उसके बाद तुरंत वृत्ति में छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन होता है। मतलब ये पांचों पेड़ में एक आपस में छज्जा बढ़ करके 250 भोम ऊपर जाते समय ये पांचों पेड़ एक आपस में मिलन होता है। तो एक आपस में मिलन करने के लिए वो छज्जा बढ़ने का प्रसंग आता है वृत्ति में, परंतु अभी हम तुरंत ये 5 पेड़ के ही प्रसंग को यहां तक ला करके छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन नहीं करेंगे, ठीक है। इसका कारण क्या है? ये 5 पेड़ में तो एक आपस में छज्जा बढ़ेगा ही। अब छज्जा बढ़ने का प्रसंग मैं बोल रहा हूं तो आप कैसे होंगे, ऐसे सोच रहे होंगे, अभी मैं जितना शब्द बोल रहा हूं उतना ही पकड़ लीजिए। छज्जा किस तरह से, कितना, कैसे बढ़ेंगे, वो वर्णन करते समय आप न चाहे तो भी ये सब याद होगा ही, समझेंगे ही। मैं वो प्रसंग को यहां पर एक भूमिका बता रहा हूं। तो ये 5 पेड़ में एक आपस में छज्जा बढ़ने का प्रसंग तो होता ही है। तो वृत्ति वर्णन करते करते ये 5 पेड़ के संबंध में छज्जा बढ़ने का वर्णन प्रारंभ करते हैं और ये बंगला की तरफ और घाटी के महल की तरफ भी छज्जा बढ़ने का प्रसंग एक साथ वर्णन कर देते हैं, क्योंकि वृत्तिकार व्याख्याकार के दिमाग में तो ये महल के साथ साथ में घाटी का महल और ये बंगला के ऊपर का महल भी ऑलरेडी सेट है, इसीलिए उस हिसाब से वर्णन करते जाते हैं। परंतु पहली बार ये चर्चनीय विषय अध्ययन कर रहे हैं, ये पुखराज प्रसंग अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए तो अभी हमने जितना वर्णन किया है इतना ही दिमाग में है। तो अभी यहीं से छज्जा बढ़ने के प्रसंग वर्णन करने लगे तो फिर इसको रोक करके दूसरे तरफ के मामलों के प्रसंगों को खींचना होता है और वृत्ति की तरह सीधा सीधा जाते समय पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पहले हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद फिर वृत्ति का शब्द जहां से जिस तरह से भी वर्णन हो वो सहजता के साथ में समझ सकते हैं। इसीलिए अभी हमने कितना वर्णन किया? गोल चबूतरा के ऊपर चौरस चबूतरा, चौरस चबूतरा में 5 पेड़ प्रकट हुए,
पांच पेड़ सीधा, पांच भूम छठी चांदनी तक गए, अभी उसको इतने में ही रख दीजिए। तरहटी की जमीन से देखेंगे तो सात भूम ऊपर आया है, इसको इतना ही रखिए। दिमाग में एक फोल्डर बना करके सेव करके रखिए। हाँ, ये अब हम दूसरे चौतरा के ऊपर की शोभा वर्णन करेंगे और उसको भी फिर इसके बराबर के ऊंचाई, जमीन से सात भूम ऊंचाई तक ले जाना होगा। फिर तीसरे चबूतरा, चौथे चबूतरा, सबको ऊपर उठा करके एक बार सबका लेवल बराबर बनाना होगा। उसके पश्चात ही फिर छज्जा बढ़ने का प्रसंग एक साथ में वर्णन करना होता है। इसीलिए इसके लिए अभी तक जितना बताया, मतलब गोल चबूतरा के ऊपर चौरस चबूतरा, पांच पेट प्रकट होकर के पांच भूम तक ऊपर ले गए हैं, इसको इतना ही रखिए। अब हम चलते हैं बंगला के चबूतरा के तरफ, ठीक है। बंगला की चबूतरा, अब ये बंगला का चबूतरा पुखराज के चबूतरा के साथ में जुड़ करके पूर्व दिशा में 100,000 कोस का लंबा चौड़ा, जमीन से भूम भर ऊंचा, इसका चौगिर्द 400,000 कोस है। अब इस चबूतरा के ऊपर की शोभा कैसे है, इसको भी तीन खंड में विभाजन करना है। जिस तरह से बंगला के तरहटी में तीन खंड था, तीन खंड मतलब इस तरफ एक खंड, मध्य में एक खंड, बाहर इस तरफ एक खंड, तो ये बाहर का खंड तो चारों तरफ घूम करके आते समय वही दो तरफ से दो खंड होता है, और बाकी रहा मध्य में एक खंड, तो ये मध्य का हिस्सा हुआ, इसको बोलते हैं एक तिहाई। जैसे तरहटी की भाषा से कहे तो ये मध्य में ताल था ना, और बाहर चारों तरफ घूम करके बगीचा का हार और महल का हार था। उसी तरह से ये बंगला के चबूतरा के ऊपर आइए तो ऊपर आकर के देखे तो 100,000 कोस का लंबाई चौड़ाई चबूतरा को तीन हिस्सा किया, ये बाहर का हिस्सा दोनों तरफ 33,333 और मध्य का हिस्सा ये भी 33,333, और इधर से देखे तो भी वही क्रम है 33,333 और मध्य का हिस्सा 33,333। ये हुआ चबूतरा को तीन हिस्सा किया हुआ हिस्सा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या शोभा है, इसका वर्णन हम प्रारंभ करते हैं। इसमें ये बाहर के हिस्सा एक तरफ जैसा है, दोनों तरफ वैसा ही होता है। इसीलिए यहां मैं एक तरफ से वर्णन करता हूं, जैसे यहां से बताऊं तो पेड़ चार फिलपाई पांच पेड़ करके वर्णन आता है। पेड़ मतलब यहां वृक्ष। अब देखिए यहां पुखराज के प्रसंग में पांच पेड़ आया था, ये पेड़ अर्थ मूल, महलों का मूल। अब यहां बंगला के चबूतरा के ऊपर पांच पेड़ चार फिलपाई पांच पेड़ करके शब्द प्रयोग हो रहा है। यहां पेड़ मतलब वृक्ष और फिलपाई मतलब फिलपाई, बड़े बड़े थंब, लोअर स्तंभ। इसीलिए यहां मैं निशानी लगा देता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच पांच पेड़ है। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, ये चार फिलपाई है, लोअर स्तंभ। उसके अंदर फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच पेड़ है। ये सीधा एक लाइन बताया हूं, तो ऐसे ही ये पांच पेड़ का हार ऐसे पेड़ 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 करते देखिएगा, ऐसे पेड़ का हार इस तरह से चारों तरफ से घूम करके आया है। ये एक हार है, दूसरे हार भी इसी तरह से घूम करके आया है, ठीक है। शब्द से भी पकड़ना होगा, हाँ, या नक्शा में बारीकी मेहनत नहीं कर रहा हूं मैं, पॉट के नक्शा से बाद में देखेंगे एक साथ। फिर तीसरे हार भी इसी तरह से, चौथे हार भी इसी तरह से, पांचवें हार भी इसी तरह से, मतलब पांच पेड़ ही चारों तरफ से इस तरह से घेर के आया है। कहने का अर्थ,
इधर भी पांच पेड़, पांच पेड़, पांच पेड़, पांच पेड़, चारों तरफ पांच पेड़ हुआ, मतलब पांच हार वृक्ष को पांच पेड़ कहा एक शब्द में, पांच हारे वृक्ष। उसके बाद भीतर फिर चार फिल पाए, चार फिल पाए मतलब चार हारे फिल पाए, चार हारे मतलब जैसे ये एक हार, एक हार ये भी चारों तरफ घूम करके, दूसरे हार ये भी चारों तरफ घूम करके, तीसरे हार ये भी चारों तरफ घूम करके, चौथी हार ये भी चारों तरफ घूम करके, उसको चार फिल पाए कहते हैं, मतलब चार हारे फिल पाए। उससे भीतर फिर पांच पेड़, ये पांच पेड़ भी एक हार, दो हार, तीन हार, चार हार, पांच हार करके, ये पेड़ यानी कि वृक्ष भी पांच हार में ही घूमते हैं। तो इस तरह से देखे तो कितने हारे हुए, पेड़ फिलपाए और पेड़ का चौदह हारे, पांच पेड़ चार फिलपाए और पांच पेड़ करके चौदह हारे हुए। इसमें भी अगर बारीकी हिसाब देखना हो तो ये कितने एरिया की बात है, 33,333 कोष के जगह की बात है ना ये, उसमें से 11,111 कोष में पांच पेड़, फिर 11,111 कोष में चार फिल पाए, फिर 11,111 कोष में पांच पेड़, तीन हिस्सा करके ये सब तरफ घूम करके आया है। तो इस तरह से चारों तरफ से बाहर का हिस्सा कवर हुआ। अब इन पेड़ों को ऊपरा ऊपर पांच भूम छठी चांदनी तक ले जाइए, ठीक है। अब बाकी रहा ये मध्य का एक तिहाई, अब इसकी शोभा हम वर्णन करेंगे। एक पॉइंट अभी बता के रखता हूं, अभी हम ये बंगला का प्रसंग डिटेल वर्णन नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने ये पांच पेड़ चार फिल पाए पांच पेड़ करके खाली एक नमूना ही बताया हो, इस विषय में विस्तृत वर्णन बाद में फिर से आएगा। उस समय में ये एक हार में कितने वृक्ष हैं, दूसरे हार में कितने वृक्ष हैं चारों तरफ, तीसरे हार में कितने वृक्ष हैं करके, चौदह हार में ही वृक्षों की संख्या कितने हैं, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष अथवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितना है, ये सारा विस्तृत वर्णन बाद में होगा। अभी खाली हम एक आकार को खड़ा करने का ये प्रयास कर रहे हैं कि ये पुखराज के महल को ऊपर ऊपर उठाने के लिए यहां पेड़ पांच भूम ऊपर जाने के बाद छज्जा बढ़ने का प्रसंग आ रहा है, तो ये छज्जा बढ़ते समय बंगला के तरफ भी छज्जा बढ़ने का वर्णन होता है, तो उसके लिए ये महलों को ऊपर उठाना होगा। इसीलिए सार रूप में अभी जितना जरूरत है उतना ही वर्णन कर रहे हैं, इसका विस्तार वर्णन बाद में फिर से होगी, और वृत्ति वर्णन करते समय भी ऐसे ही वर्णन करेंगे। शुरू में इसका एक सार रूप में वर्णन करके महल को उठाते हैं, उसके बाद फिर छज्जा बढ़ने के प्रसंग के द्वारा ऊपर ऊपर महलों के वर्णन करते हैं, उसके पश्चात फिर बाद में आकर के ये बंगला का वर्णन करते हैं, ठीक। अब ये बाहर के हिस्सा में पांच पेड़ चार फिलपाई और पांच पेड़ यानी कि चौदह हारे चारों तरफ घूमने की बात हुई। अब ये मध्य के एक तिहाई हिस्सा, यहां पर तो मैंने ये एरिया अलग करने के लिए लाइन खींच दिया हो, अब ये मध्य के हिस्सा का हम वर्णन करते हैं। इसमें सर्वप्रथम 96 की 96 हारे बगीचे हैं इसके अंदर। इसका एरिया कितना है पूरा 33,333 कोस का एरिया है ये। ये भी यहां पर बता देता हूं मैं, इसका लंबाई चौड़ाई एरिया देखेंगे तो ये एक तिहाई है ना, 33,333 कोष का जगह है। इसके अंदर देखिए 96 की 96 हारे बगीचे होते हैं। अब इतना संख्या में तो हो नहीं पाएगा, फिर भी आपको एक नमूना के लिए मैं यहाँ इस तरह से बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस तरह से बगीचा ना, एक दो तीन चार, यहाँ तो चार ही संख्या में हुआ, ऐसे 96 बगीचे हैं और इधर भी 96 हारे ही बगीचे हैं, 96 की 96 हारे बगीचे। और बगीचे कहते ही यहां पर नहर 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 और बीच में चेहे बच्चा, नहर के दाएं बाएं रोस, ये सारा प्रक्रिया तो जानते ही है। तो 96 की 96 हारे बगीचे कितना कहा, यहां ये एक तिहाई 33,333 कोस की जगह में 96 की
छानबे हारे बगीचे, ठीक है। अब इन बगीचों में से एक बगीचा में आइए। अब एक बगीचा को भी फिर तीन खंड में विभाजन किया है, जिस तरह से ये पूरा चबूतरा को तीन खंड में विभाजन किया, एक दो तीन हुआ ना, ऐसे ही ये एक बगीचा को भी तीन खंड में विभाजन किया, तो ये मध्य का एक तिहाई जगह है ये, और ये बाहर का चारों तरफ, ये पूरा देखेंगे तो एक दो तीन, इधर से भी देखेंगे तो एक दो तीन हुआ, ठीक है। अब ये बगीचा को भी इस तरह से तीन खंड में विभाजन किया, तो ये मध्य का हिस्सा जो है इसमें भौम भर ऊंचा चबूतरा उठते हैं। एक बगीचा की बात कर रहा हूं मैं, एक बगीचा के मध्य एक तिहाई में ये बगीचा के जमीन से भौम भर ऊंचा एक चबूतरा उठते हैं, और चबूतरा के चारों तरफ बगीचा है, तो बगीचा ये नीचे ही रहा, नीचे मतलब ये बंगला के चबूतरा के जमीन के बराबर में, और एक बगीचा के मध्य भाग एक तिहाई एरिया लेकर के भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा। एक बगीचा में जैसा है छियानबे की छियानबे हारे सर्व बगीचा में यही शोभा है। कहने का अर्थ, अब यहां जितने नक्शा बना है उसी से दिखाऊं तो भी ये बगीचा में भी मध्य एक तिहाई में भौंबर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ बगीचा, इसमें भी मध्य में भौंबर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ बगीचा, इसमें भी भौंबर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ बगीचा, इस तरह से प्रत्येक बगीचा के मध्य में भौंबर ऊंचा चबूतरा, और ये चबूतरा के चारों तरफ बगीचा, ये शोभा वर्णन होता है। इस हिसाब से देखेंगे तो चबूतरा कितने के कितने हारे हुए, छियानबे की छियानबे हारे बगीचा में प्रत्येक बगीचा के मध्य में एक एक चबूतरा होने से ये चबूतरा भी छियानबे की छियानबे हारे ही हुए। यहां तक ठीक है? चलो, सारे चबूतरा अपने आप में स्वतंत्र है, अलग अलग चबूतरा है। अब आइए ये चबूतरा के ऊपर। अब आप सोचेंगे कौन से चबूतरा के ऊपर आए, कोई भी चबूतरा के ऊपर आइए, छियानबे की छियानबे हारे बगीचा में छियानबे की छियानबे हारे चबूतरा है। अब इन चबूतराओं में जो शोभा है, ध्यान से समझ लीजिए। अब उसमें क्या होता है, एक चबूतरा में, पहले शब्द को सुनिए हाँ, उसके बाद फिर उसका थोड़ा सा हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। एक चबूतरा में बंगला बनता है, दूसरे चबूतरा में चेहे बच्चा, एक में बंगला, दूसरा में चेहे बच्चा, इस तरह से बंगला चेहे बच्चा, बंगला चेहे बच्चा, बंगला चेहे बच्चा, बंगला चेहे बच्चा करके पूरा वो हार में बंगला चेहे बच्चा का क्रम। उसी तरह से दूसरे हार में देखे बंगला चेहे बच्चा, बंगला चेहे बच्चा, बंगला चेहे बच्चा, बंगला चेहे बच्चा क्रम। इस तरह से पूरा छियानबे की छियानबे हारे चबूतरा में ही एक में बंगला, एक में चेहे बच्चा, एक में बंगला, एक में चेहे बच्चा, ये क्रम होने से छियानबे का आधा कितना होता है, 48। इसका अर्थ एक हार में छियानबे चबूतरा है, उसमें से 48 चबूतरा में बंगला प्लस 48 चबूतरा में चेहे बच्चा, तो 48 और 48 कितना हुआ, 96 हुआ ना, तो एक हार में ही ये संख्या हुआ। तो इसका अर्थ पूरा 96 हारे बगीचा के ऊपर के चबूतराओं में बंगला और चेहे बच्चा की संख्या कितना होता है, अब मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, 48 के 48 हारे बंगला और 48 के 48 हारे चेहे बच्चा, ये संख्या होता है। 96 का आधा हुआ ना, तो 48 के 48 हारे बंगला, 48 के 48 हारे
छह बच्चा। अब इसका टोटल संख्या देखेंगे तो 48 गुना 48 इजिकल टू 2304, 2304 बंगला। और छह बच्चा देखेंगे तो भी 48 गुना 48 इजिकल टू 2304 ही छह बच्चा है। अभी तो खाली हम बंगला और छह बच्चा का क्रम और उसकी संख्या बता रहे हैं, ठीक है। अब बंगला कैसे होते हैं, छह बच्चा कैसे होते हैं, तो इस विषय में अभी जितना जरूरत है जानकारी लेना उतने हिसाब से अगर बताऊं तो ये चबूतरा के ऊपर छह बच्चा, कहने का मतलब छह बच्चा मतलब जल का कुंड। तो बाहर से तो ये बम्बर ऊंचा चबूतरा उठा तो है, परंतु इसके अंदर कुंड है। जैसे हमने सोरहांस का छह बच्चा का वर्णन करके आए हैं और खड़ोकली का भी वर्णन करके आए हैं, उसमें क्या होता है चारों तरफ से दीवाल होता है ऊपर उठा हुआ, बाहर से देखने से चबूतरा की तरह होता है और ऊपर जाकर के देखे तो मध्य में जल का कुंड होता है। तो ऐसे ही यहां पर जितने भी चबूतरा में चेहे बच्चा करके कहा है, चेहे बच्चा मतलब जल का कुंड, ये है, ये तो समझ ही गए। अब बंगला करके कहा है ना, बंगला मतलब एक चबूतरा के ऊपर बाहर थम्ब के हार होते हैं, उसके भीतर फिर मंदिरों के हार होते हैं, फिर भीतर थम्ब का हार। मान लीजिए बंगला मतलब एक महल ही है, तो अभी के लिए इतना समझ के रखिए बंगला मतलब एक महल ही है। तो ये बंगला कैसे है, कितने थम्ब, कितने मंदिर, कितने महल, इसका डिटेल वर्णन जैसे कि मैंने पहले ही कहा ये बाद में फिर से होगा। तो अभी के लिए चबूतरा के ऊपर बंगला मतलब बंगला एक महल है और छह बच्चा मतलब छह बच्चा हो गया। अब 96 की 96 हारे बगीचे के मध्य के चबूतरों में से एक में बंगला, एक में छह बच्चा, एक में बंगला, एक में छह बच्चा, ये क्रम होने के कारण इसकी शोभा कैसे होते हैं, चार बंगला के बीच में एक छह बच्चा, चार छह बच्चा के बीच में एक बंगला, ये वैसे ही शोभा है जैसे बर्ड पीपल की चौकी में था। बर्ड पीपल करते करते चार बर्ड के बीच में एक पीपल, चार पीपल के बीच में एक बर्ड, ऐसे ही कुंज निकुंज वन में था, कुंज निकुंज करके चार कुंज के बीच में एक निकुंज, चार निकुंज के बीच में एक कुंज, ऐसे ही यहाँ चार चेहे बच्चा के बीच में एक बंगला, चार बंगला के बीच में एक चेहे बच्चा। अब चेहे बच्चा तो चबूतरा के ऊपर ही रहता है, बंगला जो है जितने भी चबूतरा में बंगला आया है, बंगला एक भूम, दो भूम, तीन भूम, चार भूम, पांच भूम, छठी चांदनी, मतलब बंगला पांच भूम ऊपर तक गए हैं। सारे बंगला अपने आप में स्वतंत्र है, कोई एक आपस में नहीं मिले हैं, क्योंकि चबूतरा ही अपने आप में स्वतंत्र है ना। तो प्रत्येक चबूतरा से अपने अपने हिसाब से ये बंगला पांच भूम ऊपर गए। अब उसके ऊपर एक साथ में छत पटी हुई है। अब वो छत पड़ते समय कितना बड़ा हुआ छत, देखिए यहां 48 की 48 हारे बंगलों के ऊपर एक साथ में छत पटी है, जिसके कारण वो नीचे के चेहे बच्चा को भी ढक दिया है, ठीक है। ये तो 33,333 कोस की जगह में हुआ। अब इसके बाहर तरफ देखिए तो चारों तरफ पहले ही पांच पेड़, चार फिलपाई, पांच पेड़, इन पेड़ों को भी ऊपर उठाया था ना, तो इसके ऊपर भी छत पड़ने से ये पूरा 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा जो बंगला का चबूतरा था, इसके ऊपर पूरा छत आया। तो अब ये छत जमीन से कितनी ऊंचाई में गया, जमीन से 7 भूम ऊंचाई में गया। कैसे, जमीन से भूम भर ऊंचा ये चबूतरा, बंगला का चबूतरा, इस चबूतरा के मध्य भाग में जो ये 96 की 96 हरे बगीचे हैं
उन बगीचों में से प्रत्येक एक बगीचा के मध्य भाग से एक एक भौम ऊंचा चबूतरा उठा है। तो प्रत्येक चबूतरा जमीन से दो भौम की ऊंचाई में गया है कि नहीं? उन चबूतराओं में से 48 के 48 हारे चबूतरा में 48 के 48 हारे बंगला बना है। वो बंगला यहां से ऊपर कितने भौम तक गए? 5 भौम तक गए। तो 5 भौम ये बंगला ही है। तो ये चबूतरा जोड़ते समय 6 भौम और नीचे का ये बृहद चबूतरा जोड़ते समय 7 भौम। तो ये 7 भौम ऊपर जा करके इसका चांदनी एक हुआ। अब उसमें अब ये बाहर 5 पेड़, 4 फिलपाई, 5 पेड़, तो ये बंगला के चांदनी के बराबर ये पेड़ फिलपाई और पेड़ का चांदनी होने के लिए ये भी 6 भौम ऊपर जाना होता है। तो ये जमीन से देखे तो 7 भौम ऊपर और ये बंगला के जो चबूतरा है इससे ऊपर देखेंगे तो 5 भौम ऊपर जा करके इसके ऊपर पूरा ये 1,00,000 कोश का लंबा चौड़ा और 4,00,000 कोश का गिर्द चांदनी हुआ। अब यहां पर चांदनी आप समझ लीजिए। अब चांदनी हुआ करके यहां चांदनी दिखाने के लिए तो फिर ये सारे नक्शा को ऊपर से ढकना पड़ेगा, मुझे तो यहाँ खुला चांदनी बनाना होगा। तो फिर बाद में आपको ये सारा शोभा नोट करने के लिए जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखते हुए यहां ऊपर से चांदनी करके बोल रहा हूं। मतलब पूरा चांदनी चबूतरा के एरिया के बराबर में आया। जमीन से कितनी ऊंचाई में? 7 भूम की ऊंचाई में। अब फिर एक बार इधर आइए तो पुखराज के चबूतरा के ऊपर, तो यहां पुखराज के गोल चबूतरा के ऊपर चौरस चबूतरा के ऊपर 5 पेड़ प्रकट होकर के ये 5 भूम ऊपर तक गया था ना, तो ये भी जमीन से 7 भूम ऊपर हुआ था। और यहां बंगला में ये वृक्ष फिलपाई वृक्ष और मध्य में बगीचा में चबूतरा और चबूतरा के ऊपर 5 भूम का बंगला और ये सब के ऊपर छत आने से पूरा बंगला के एरिया में 7 भूम ऊपर इसकी छत अथवा चांदनी आया है। इसका अर्थ यहाँ के 5 पेड़ का ऊंचाई और वो बंगला के 5 भूम छठी चांदनी के ऊंचाई बिल्कुल बराबर हुआ। मतलब जमीन से 7 भूम की ऊंचाई में आया। यहां तक ठीक है? बस अब इसको भी अभी इतना ही रख दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये पश्चिम की घाटी की तरफ आइए। पश्चिम की घाटी जिसके चबूतरा के विषय में कहा 4,00,000 कोश का लंबा 400 कोश का चौड़ा। अब यहां घाटी के द्वारा भी महल को उठा करके सर्वप्रथम हमें 7 भौम ऊपर तक, यानी कि ये 5 पेड़ के ऊंचाई अथवा ये बंगला के जो 5 भौम छठी चांदनी की ऊंचाई के बराबर तक ये घाटी का महल भी ले जाना होगा। उसके बाद ही छज्जा बढ़ने का प्रसंग अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं। इसलिए ये 5 पेड़ को 5 भौम ऊपर उठाया, बंगला को 5 भूम ऊपर उठाया, दोनों को अपनी अपनी जगह में ऐसे ही रखिए करके कहा। अब आइए ये घाटी में। उसके लिए देखिए 400 कोश का ये चौड़ाई है और 4,00,000 कोश का लंबाई है। उसमें से अब यहां ये पश्चिम दिशा है ना, पश्चिम दिशा से ये चबूतरा में जाने के लिए 1 भूम सीढ़ी लगा है। अन्य जगह में तो हमने पहले ही वर्णन किया है कि प्रत्येक 400-400 कोश की दूरी में गुर्जर, हाँ, और गुर्जर के दाएं बाएं सीढ़ी, मध्य में दरवाजा से अंदर तरहटी में जाने की बात तो पहले ही वर्णन किया। अब यहां मुख्य रूप में देखे तो ये घाटी मतलब सीढ़ी, ठीक है। अब इसके पश्चिम तरफ ये बंदिश के रोज को थोड़ा बड़ा एरिया बनाता हूं, यहां पश्चिम तरफ से एक बृहद सीढ़ी भोम्बर ऊपर गए हैं, ठीक है। अब उसके लिए यहां से बताता हूं मैं, ये बृहद सीढ़ी
ऐसे भूअंबर ऊपर गए हैं। ये श्रेणी का ये चौड़ाई है 100 कोस। पूरा ये घाटी का चबूतरा 400 कोस में था, उसमें से ये श्रेणी 100 कोस के चौड़ाई लेकर के एक भूम ऊपर गया। अब हम ये श्रेणी के माध्यम से ये चबूतरा के ऊपर गए, तो चबूतरा का पूरा लंबाई 400 कोस और चौड़ाई 400 कोस का कहा। अब ये चबूतरा के ये चौड़ाई के तरफ जो शोभा है उसको देखिए, हाँ घाटी मतलब श्रेणी, तो ये अब क्या होता है 100 कोस की जगह नीचे से जो श्रेणी आया है वो श्रेणी की जगह तो श्रेणी ही रहता है। ऐसे यहां पर मैं थोड़ा सा नमूना बताता हूं, ये बीच का हिस्सा जो है ना 100 कोस का, ये ऊपरा ऊपर श्रेणी 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 होकर ही जाएगा बाद में। अब कहां तक जाएगा कैसे जाएगा इसका डिटेल वर्णन बाद में होगा। और ये 100 कोस के श्रेणी की जगह से दोनों तरफ 100-100 कोस की जगह को लेकर के महल बने हैं। इधर ऐसे महल 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 करके ऐसे महल बनते हैं। ये महल का चौड़ाई कितना कहा 100 कोस, और इस तरफ भी 100 कोस का चौड़ाई जगह लेकर के ये महल 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 इस तरह से महल बनते हैं। तो 400 कोस की चौड़ाई में से कितने कोस का हिसाब किया हमने, मध्य में 100 कोस में सीढ़ी, सीढ़ी के दाएं बाएं दोनों तरफ 100-100 कोस में महल, तो 300 कोस हुआ, बाकी रहा 100 कोस। उसमें से इस तरफ किनार में 50 कोस का, अब यहां चबूतरा के ऊपर ही पहला भूम में का है तो इसको रोश ही बोलना पड़ेगा, परंतु ये महल ऊपरा ऊपर जाते समय वो 50 कोस को छज्जा कहते हैं, नीचे जो रोश होते हैं वही ऊपरा ऊपर जाकर के भूम भूम में छज्जा होते हैं, है ना। तो इधर भी 50 कोस का छज्जा, इधर भी 50 कोस का छज्जा, तो पूरा हिसाब क्या हुआ 100 कोस में सीढ़ी, दाएं बाएं का 100-100 कोस में महल, उससे भी दाएं बाएं 50-50 कोस में छज्जा। तो इस तरह से टोटल 400 कोस का चौड़ाई का हिसाब पूरा हुआ, ठीक है। अब ये महल का वर्णन कर रहे हैं हम, तो यहां की शोभा थोड़ा सा बता ही देता हूं। जैसे भूमभर सीढ़ी चढ़कर के ऊपर गए, अब यहां से आगे सीढ़ी क्रमशः ऊपर की ओर तो जाना है, इसी जगह में सीढ़ी से प्रवेश होने के जगह में यहां पर 100 कोस का लंबा 50 कोस का चौड़ा चबूतरा उठ करके यहां एक देहुरी बना है, और इस तरफ भी 100 कोस का लंबा 50 कोस का चौड़ा चबूतरा उठ करके इसमें देहुरी बना है। और देहुरी का मतलब क्या है, यहां थंब यहां थंब यहां थंब यहां थंब, और ऊपर चार मेहराब होते हैं, और इसमें भी थंब 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 होकर के इसमें मेहराब होते हैं। और ये थंब से ये थंब में, मतलब ये देहुरी से ये देहुरी में, ये देहुरी से ये देहुरी में मेहराब लगते हैं, जो श्रेणी से अंदर प्रवेश करते समय ये प्रवेश द्वार की तरह हुआ। जैसे हौज को सर में वो झुंड के घाट के नीचे दो देहुरी और दो देहुरी के बीच में आया हुआ जो ऊपर की मेहराब के अंदर से प्रवेश करते समय प्रवेश द्वार की तरह शोभा था ना, ऐसे ही भौमभर ऊपर सीढ़ी चढ़ करके आए, सीढ़ी के दोनों तरफ किनार में ये चौड़ाई की तरफ 100-100 कोस का लंबा 50-50 कोस का चौड़ा ये दो देहुरी, और जिसमें मेहराब होकर के प्रवेश द्वार की तरह हुआ। तो अभी के लिए बस इतना कम से कम समझ के रखिए, इतना मतलब कितना, ये 400 कोस की चौड़ाई घाटी के चबूतरा में, मध्य में सीढ़ी, दाएं बाएं 100-100 कोस में महल, और उससे भी दाएं बाएं 50-50 कोस में छज्जा। इस तरह से ये महल 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 आया है। अब ये पूरा एरिया यहां से यहां तक, मतलब इस किनार से ये
पोखराज के गोल चबूतरा के साथ में लगा हो ये किनार तक देखें तो ये पूरा लंबाई तो 4 लाख कोस का है, परंतु ये महल इधर आते समय ये पूरा 4 लाख कोस एरिया तक महल नहीं आया है, तो ये पोखराज के गोल चबूतरा के किनार से 44,000 कोस की दूरी तक, ये घाटी का ही चबूतरा है, 44,000 कोस के दूरी तक ये खाली जगह है, यहां तक महल नहीं आया है। कितना एरिया कहा, यहां से यहां तक ये 44,000 कोस कोस तक महल नहीं आया है, ये जगह को खाली छोड़ दीजिए। तो इसका अर्थ ये किनार से यहां तक महल आते समय ये लंबाई में कितने एरिया में महल आया, 356,000 कोस की जगह हुआ। तो मतलब यहां जैसे देखिए ये किनार से यहां तक एरिया, मैं यहां से लिख देता हूं, जैसे इसके सीधा एरिया है ना, तो ये 356,000 कोस की जगह में महल आया है, और इधर ये 44,000 तो यहीं पर लिख दिया हूं, फिर भी यहां अगर बता दें तो ये 44,000 कोस की जगह में अभी खुला चबूतरा है। तो ये दोनों को जोड़ते समय घाटी का जो लंबाई 4 लाख कोस का था ना, ये पूरा एरिया 4 लाख कोस का ही होता है, ठीक है। अब ये महल को भी 1 भौम 2 भौम 3 भौम 4 भौम 5 भौम 6 भौम तक ले जाइए इसको। अब 5 भौम करके भी वर्णन आता है, परंतु उसको 6 भौम समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये चबूतरा जमीन से 1 भौम ऊपर हुआ और इसके ऊपर 6 भौम सीधा महल ले गए, तो जमीन से 7 भौम ऊपर आया ना। अब ये जमीन से 7 भौम ऊपर ये महल के ऊंचाई से सीधा पोखराज की तरफ देखिए, तो ये 5 पेड़ जो 5 भौम ऊपर आया था ना, जो जमीन से 7 भौम ऊपर है, इसके बराबर लेवल हुआ कि नहीं हुआ, बस। तो उसके लिए ये महल को 5 भौम छठी चांदनी मतलब 6 भौम ऊपर उठाना होगा। अब ये महल को ऊपर उठाते समय एक बात ध्यान देना होता है, जैसे जैसे भौम ऊपर चढ़ते जाएंगे ये किनार से महल घटते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये घाटी मतलब सीढ़ी है ना। इसका अर्थ मैं अब खड़ा दृश्य से बता दूं तो देखिए, ये हिसाब वैसे आप जानते हैं, फिर भी यहां देखिए, जैसे देखिए ये 4 लाख कोस का लंबा मान लीजिए ये चबूतरा, अब ये जमीन से जैसे ये बड़ी सीढ़ी ये सीढ़ी इस तरह से गया, अब यहां से महल उठाया है ये 4 लाख कोस के जगह में से 44,000 कोस की जगह तक, तो यहां खाली जगह छोड़ दिया है। उसके बाद ये महल 1 भौम ऐसे उठाए, फिर यहां से सीधा 2 भौम उठाए, परंतु ये घाटी होने से, घाटी यानी कि सीढ़ी तो ऐसे जाता है ना, समझ में आई बात, सीढ़ी ऐसे जाता है, तो यहां पर महल कम हुआ ना, तो इसीलिए 1 भौम में ये महल यहां तक आया, दूसरे भौम में ये महल यहां तक ही आता है, फिर तीसरे भौम में ऐसे, फिर चौथी भौम में ऐसे, पांचवें भौम में ऐसे, करते करते कम होता जाता है। मतलब ये ऊंचाई 1 भौम बराबर 400 कोस का है और ये हांस 400 कोस का ही हांस है, इसीलिए ये 1 भौम ऊपर चढ़ते समय इधर महल 1 हांस कम होता है, दूसरी भौम ऊपर चढ़ते समय यहां महल 2 हांस कम होता है, 3 भौम ऊपर चढ़ते समय ये महल 3 हांस कम होता है। और अभी बता के रख देता हूं, ये घाटी यानी कि सीढ़ी कहां जाने के लिए, पोखराज के चांदनी में जाने के लिए। इसीलिए देखिए पहले ही हमने एक बार कहा है कि ये पोखराज पर्वत 1,000 भौम की ऊंचाई में है, ठीक है, इसका डिटेल वर्णन करना बाकी है, परंतु 1,000 भौम की ऊंचाई में है इतना तो कहा है ना,
हजार बम। और ये घाटी 4 लाख कोस का लंबाई कहा, 4 लाख कोस को आप हांस में बताइए तो कितना है, 1000 हांस। इसका मतलब ये घाटी कितने हांस में है, 1000 हांस में है। तो जैसे अभी क्रम बताया, एक भूम ऊपर गए, एक हांस कम हुआ, दो भूम ऊपर गए, दो हांस कम हुआ, तीन भूम ऊपर गए, तीन हांस कम हुआ, कम हुआ मतलब अंदर चला जा रहा है। तो ये पुखराज 1000 भूम ऊपर आते समय ये घाटी भी 1000 हांस पूरा होकर के, घाटी के अंतिम हांस पुखराज के 1000 भूम ऊपर जाकर के सीधा वो घाटी यानी कि सीढ़ी पुखराज के चांदनी में जा सकते हैं। ये डिटेल वर्णन तो बाद में होगा, परंतु अभी मैं ये प्रसंगों को इसीलिए जोड़ रहा हूं कि जैसे जैसे भूम चढ़ते जाते हैं इधर से हांस कम होता जाता है, ये बताने के लिए। बाकी ये किनार की तरफ ये भूम सीधा चला गया है। तो इस तरह से यहां की बात हम कर रहे हैं। तो ये चबूतरा में खड़े होकर के ये घाटी की तरफ देखे तो अब तक जो हमने वर्णन किया क्या शोभा दिखाई दिया, पुखराज के चबूतरा के किनार से 44,000 कोस की दूरी तक ये घाटी का चबूतरा खुला है, 44,000 कोस की दूरी के पश्चात ये 3,56,000 कोस की लंबाई में महल आए हैं। यहां चबूतरा में बैठ करके अगर देखेंगे तो अब तक जितना हमने महल उठाए उतने की ही बात करें तो यहां 6 भूम ऊपर महल उठा है। तो महल की ये दीवार यहां से 6 भूम तक ऐसे दिखाई देता है। तो इधर से देखेंगे तो फिर महल घटता हुआ जा रहा है। और महल के लिए जैसे कि कहा मध्य में 100 कोस में सीढ़ी है, जैसे जैसे महल चढ़ते जाएंगे तो ये बीच से सीढ़ी तो ऐसे ऊपर को चढ़ते जाते हैं। और किनार किनार में 50-50 हाथ की चौड़ाई में छज्जा है, ये तो बताया है। तो इस तरह से ये पश्चिम के घाटी के चबूतरा के ऊपर भी महल 6 भूम तक उठाया। अब पश्चिम के घाटी के महल अथवा ये घाटी का वर्णन जैसा है, उत्तर का घाटी का भी वर्णन वैसा ही है। ये बात पहले भी बताया है, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो इसका अर्थ अगर उत्तर के घाटी के विषय में भी हमें देखना हो तो इसमें भी वही है। उत्तर के घाटी के उत्तर तरफ से यहां 100 कोस के चौड़ाई में भूम भर का सीढ़ी ऊपर आया, और ऊपर आकर के यहां दोनों तरफ देहुरी है जो 100 कोस का लंबा और 50 कोस का चौड़ा, दोनों देहुरी के ऊपर ये मेहराब लगे प्रवेश द्वार की तरह हुआ। अब इसमें भी मध्य के भाग 100 कोस के चौड़ाई में ये सीढ़ी का भाग हुआ, और उसके दाएं बाएं 100-100 कोस की जगह में ये महल हुआ। तो इस तरह से महल आए हैं, ठीक है। तो इस तरह ये महल उत्तरी किनार से ये 3,56,000 कोस तक ये महल आया, और ये 44,000 कोस की जगह में इसमें भी खाली है। तो ये महल भी ऊपर ऊपर 6 भूम तक गए। तो इधर से भी समझ लीजिए, ठीक है। इसका अर्थ पश्चिम घाटी का महल का ऊंचाई, उत्तर घाटी का महल का ऊंचाई, पांचों पेड़ों के ऊंचाई और बंगला के ऊंचाई सब बराबर हुआ है, मतलब जमीन से 7 भूम ऊपर तक पहुंचा है। यहां तक अभी दिल दिमाग में सेट करके रखिए, ठीक है। अब आगे छज्जा बढ़ने का प्रसंग होता है। अब ये सब अलग अलग है, सब मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पांच पेड़ तो अलग अलग है ना, 7, और ये बंगला ये 8 अलग अलग है। अब ये छज्जा बढ़ने के प्रसंग वर्णन होने के बाद 250 भूम ऊपर जाकर के ये सब एक आपस में पड़ जाते हैं, जो कल के क्लास में हम ये चर्चा करेंगे। और साथ में पूर्व की तरफ अद्विज को कुंड है, तो उसमें भी छज्जा बढ़ने के प्रसंग जोड़ना है, वो हम वर्णन करेंगे। परंतु पहले मुख्य रूप में ये आज जितना हमने एक तैयार किया है इसके ऊपर छज्जा बढ़ने के प्रसंग को समझना होगा, उसके बाद तो वो अद्विज कुंड की तरफ तो सहजता से समझ सकते हैं। और उससे पूर्व में ढापी चौतार और मूल कुंड का ज्यादा वर्णन करने का नहीं है।
वो थोड़ा कम ही है, जितना भी है वो प्रसंग आने पर हम वर्णन करेंगे ही। तो आज का प्रसंग का सार, ये चारों चबूतरा के ऊपर सात सात भौम ऊपर तक महल अपने अपने हिसाब से ले गए हैं। तो इसको अच्छी तरह से दिल दिमाग में बिठाइएगा, ठीक है। अब एक झलक जो भी है नक्शा के द्वारा दिखा के रखता हूं, उसके बाद फिर इसको आप नोट करेंगे। अब ये नक्शा देखिए, पुखराज का चबूतरा करके कहा, 57 पेज नंबर का नक्शा है। इसमें देखिए, ये बंदिश के रोष से भौम भर ऊंचा ये चबूतरा गया है। चबूतरा में जाने के लिए ये गुर्ज के दाएं बाएं से सीढ़ी है, ये सारा वर्णन तो हमने पहले भी किया। अब जैसे गोल चबूतरा के ऊपर गए तो देखिए, गोल चबूतरा के मध्य में एक तिहाई ये चौरस चबूतरा एक भौम ऊपर गए हैं, जिसमें जाने के लिए चारों तरफ से भौम भर ऊंचा सीढ़ी है। और चबूतरा के ऊपर जैसे गए, ये परिक्रमा की जगह को छोड़ करके, अब देखिए यहाँ पेड़ 1, 2, 3, 4 दिशा का पेड़, और ये मध्य का पेड़, 5 पेड़ प्रकट हुआ। और मध्य के पेड़ में देखिए यहाँ जल का स्तन दिखाया है, तो ये 5 पेड़ सीधा ऊपर ऊपर 5 भौम तक गए हैं। तो यहाँ से ये शोभा को देखना है। और इसी में दूसरी बात भी देखिए, ये पुखराज के गोल चबूतरा, ये बंगला का चबूतरा, ये दोनों के बीच में ये देखिए एक जल का कुंड ताल है। तो ये पुखराज के गोल चबूतरा के ऊपर की चौरस चबूतरा सहित 5 पेड़ की शोभा है। अब ये देखिए, ये बंगला का चबूतरा, तो ये पूरा एरिया बंगला का चबूतरा 1,00,000 कोश का लंबा चौड़ा है। और यहाँ देखिए, ये पुखराज के चबूतरा का थोड़ा सा एक नमूना दिखाया है, और ये मध्य का जल का कुंड है, ठीक है। अब ये चबूतरा में देखिए, इसको 3 भाग किया, 1, 2, 3। तो बाहर के हिस्सा में देखिए तो यहाँ पेड़ है, 5 पेड़, 4 फिलपाई, 5 पेड़ इस तरह से है। और इधर से देखिए भी वही घूम करके आया है, 5 पेड़, 4 फिलपाई, 5 पेड़ पहाड़ के हिस्सा में। और मध्य के हिस्सा में देखिए, ये यहाँ पर बगीचा 1, 2, 3 दिखाया है, ऐसे 96 के 96 हरे बगीचे हैं। और एक बगीचा में देखिए, मध्य में भौम भर ऊंचा चबूतरा, और एक में बंगला, एक में चेबच्चा, एक में बंगला, एक में चेबच्चा करके, जैसे ये बंगला है, ये चेबच्चा है, ये बंगला है, ऐसे ही बंगला और चेबच्चा का क्रम इसके ऊपर है। और ये सब 5 भौम छठी चांदनी तक गए, और ये वृक्ष भी 5 भौम छठी चांदनी, मतलब इसके हिसाब से 6 भौम ऊपर तक गए। तो इसके ऊपर जमीन से 7 भौम ऊपर एक ही चांदनी होता है। तो ये 5 पेड़, 4 फिर भाई 5 पेड़, और ये बगीचा और बंगला चेबच्चा की क्रम जो हमने वर्णन किया था, इसके द्वारा समझना होगा। अब ये नक्शा देखिए, ये पेज नंबर 71 का नक्शा है। ये पश्चिम उत्तर की घाटी है, यहाँ अक्षर उल्टा पड़ा है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन के हिसाब से नक्शा सीधा बनाया है, क्योंकि पश्चिम की घाटी के हिसाब से समझाने के लिए ये पश्चिम दिशा करके स्टैंडर्ड माना है। तो देखिए, ये घाटी का लंबाई है, ये चौड़ाई है। चौड़ाई की तरफ से देखिए तो ये 100 कोश की चौड़ाई में बंदिश के रोष से भौम भर ऊपर सीढ़ी गए हैं, और सीढ़ी के ऊपर ये देहुरी का लोकेशन बताया है ये, ठीक है। अब उसके बाद ये 400 कोश की चौड़ाई में देखिए, 100 कोश के चौड़ाई में ये सीढ़ी 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 है, उसके दाएं बाएं 100 कोश के चौड़ाई में महल है, उसके भी दाएं बाएं 50 कोश की चौड़ाई में ये छज्जा है। तो ये शोभा को यहां से देखना होगा, और ऐसे महल गए हैं, और यहां से खाली ये चौड़ाई की तरफ की ये सीढ़ी और महल और छज्जा को देखने की शोभा है। तो इसको भी यहां से हम समझ सकते हैं। अब ये नक्शा को देखिए, ये 73 नंबर पेज का नक्शा है। अब इसमें वैसे तो ऊपर के बहुत सारी शोभा बन चुके हैं, परंतु ये नक्शा के द्वारा अभी हमें जितना वर्णन किया है सिर्फ उतना ही देखना है। तो मैं जितना बताऊंगा उतना ही देखिए। ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा बंदिश के रोष से भौम भर ऊंचा ये पुखराज का गोल चबूतरा है। मैं जितना बताता हूं उतना ही देखिए, हाँ ये गोल चबूतरा। और गोल चबूतरा में देखिए ये गुर्ज, ये गुर्ज, और गुर्ज के दाएं बाएं से देखिए तो ये सीढ़ी 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 सीढ़ी, और ये हाँस के मध्य भाग में ये दरवाजा देखिए, जो तरहट्टी में जाने के लिए दरवाजा है। तो ये दरवाजा से दाएं बाएं तक ही आया है ना ये गुर्ज के सीढ़ी। तो ये सीढ़ी के द्वारा जैसे भौम भर ऊपर गए, तो ये गोल चबूतरा के मध्य भाग में देखिए ये चौरस चबूतरा। चौरस चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से ये सीढ़ी, जैसे चौरस चबूतरा के ऊपर गए तो देखिए ये पेड़ प्रकट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पेड़ प्रकट हुआ जो तरट्टी से आया। तो ये 5 पेड़ अभी 1 भौम, 2 भौम, 3 भौम, 4 भौम, 5 भौम तक सीधा गए हैं। इतना ही देखिएगा, आज हमने जो वर्णन किया इतना ही है। अब ऊपर का वर्णन बाद में करेंगे तो देखेंगे।
तो ये पांच पेड़ सीधा यहां तक गए। उसके पश्चात हमने वर्णन किया कि ये पुखराज के गोल चबूतरा हुआ, तो ये बंगला का चबूतरा है। पुखराज के चबूतरा और बंगला के चबूतरा के बीच में यहां देखिए ये जल का कुंड है। बंदिश के रोष से भौम भर ऊंचा ये बंगला का चबूतरा है। अब बंगला के चबूतरा में ये पेड़ फिलपाई पेड़ और अंदर बगीचा में बंगला सारा होकर के ये सीधा पांच भौम तक के दृश्य दिखाया है जो आज हमने वर्णन किया। तो देखिए तो यहाँ से एक भौम, दो भौम, तीन भौम, चार भौम, पांच भौम, छह भौम और अंदर के बंगला के हिसाब से देखते समय ये छह भौम का होता है। तो यहाँ देखिए जमीन से सात भौम ऊपर इसका चांदनी एक हुआ है, यहां तक की शोभा हमने वर्णन किया। इसी ऊपर का मत देखिए अभी, वो बाद में जब वर्णन होगा तब देखेंगे। तो ये भी हुआ। उसके बाद हमने घाटी का वर्णन किया। तो देखिए ये घाटी, ये पश्चिम की घाटी है। तो ये घाटी का चबूतरा बंदिश के रोष से भौम भर ऊंचा आया और इधर से अब किनार की तरफ नहीं दिखाया है। तो यहां से मुख्य रूप में देखना ये है कि घाटी के चबूतरा तो यहां तक है, पुखराज के चबूतरा के साथ में मिला हुआ, लेकिन यहां से 44,000 कोस की जगह तक महल नहीं आया है, यह खाली है। उसके बाद इधर 356,000 कोस की लंबाई में ये महल आया और ये महल सीधा 1, 2, 3, 4, 5, 6 भौम तक ये महल सीधा गया है। तो यहां तक देखना है सिर्फ अभी, ठीक है। तो ये घाटी का महल, ये पांच पेड़ और ये बंगला, सब पांच भौम छठी चांदनी, पांच भौम छठी चांदनी चौतरा के ऊपर के हिसाब से जमीन से देखे तो सात भौम ऊपर तक की शोभा है। तो समग्र में यहां तक की शोभा जो हमने वर्णन किया ये नक्शा के माध्यम से अच्छी तरह से देख करके समझ सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो भी शोभा वर्णन किया उसको पॉट के नक्शा के आधार पर भी देखा। तो ये सबको देखते हुए चिंतन करते हुए अपने दिल दिमाग में बिठाइएगा और इसको अच्छी तरह से नोट करिए। तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर यहीं से आगे कल प्रस्थान करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।